नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश बिजली संकट का करंट में। जी हां, हरियाणा में गहराता बिजली संकट आम आदमी को अब करंट लगा रहा है। घरों में रहने वाले लोगों से लेकर उद्योग जगत से जुड़े लोग सभी बिजली की मारामारी से अब परेशान है। इसी से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट भी आपको बता देते हैं। तो झज्जर प्लांट की एक यूनिट बंद चल रही है, बॉयलर में आई तकनीकी खराबी और इस खराबी को ठीक होने में लगेंगे 3 दिन। इस यूनिट से मिलती है 660 मेगावाट बिजली। अभय चौटाला ने भी सरकार पर निशाना साधा है। अडानी के आगे सरकार नतमस्तक। केंद्र की तरफ से दादरी की 706 मेगावाट बिजली हरियाणा को जानी थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से स्टे ले लिया। हरियाणा में कई जगह 10 घंटे तक बिजली कट लग रहे हैं। तो और ज्यादा बिजली संकट प्रदेश में गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि झज्जर प्लांट की एक यूनिट बंद हो गई है। बॉयलर में तकनीकी फॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से ये प्लांट ठप हो गया है और इसे ठीक होने में 3 दिन का समय लगेगा। ये यूनिट काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि इससे 660 मेगावाट बिजली मिलती है। तो वही अभय चौटाला ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अडानी के आगे सरकार नतमस्तक है। केंद्र की तरफ से दादरी की 706 मेगावाट बिजली हरियाणा को जानी थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोर्ट से स्टे ले लिया। हरियाणा में कई जगह तक 10-10 घंटे के लिए पावर कट लग रहे हैं, जिसकी वजह से भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तो लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे जरूर किए गए थे, लेकिन अभी भी लोगों को बिजली संकट से कहीं भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कब मिलेगी बिजली संकट से राहत, यही बड़ा सवाल जो हर कोई उठा रहा है। हरियाणा में गहराता बिजली संकट अब आम आदमी को करंट लगा रहा है। ना सिर्फ आम लोग, बल्कि बिजली संकट का असर कहीं ना कहीं उद्योग धंधों पर भी पड़ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता अमित चौधरी और करनाल से संवाददाता लक्ष वर्मा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आना चाहूंगी। फरीदाबाद में क्या स्थिति है बिजली संकट को लेकर? वहां पर कितने घंटों के लिए लाइट आ रही है और कितने लंबे पावर कट लग रहे हैं अमित? जी, अगर देखिए फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में पिछले कई दिनों से लगभग 8-10 घंटे का बिजली कट चल रहा है, क्योंकि फरीदाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है। तो बात करें तो बिजली कटौती से उद्योग की व्यवस्था चरमरा गई है, नाइट शिफ्ट बंद कर दी गई है। रात को भी 8-10 घंटे के कट लग रहे हैं, दिन में भी किस्तों में बिजली आती है, कट लगते रहते हैं, जिससे उद्योगों में मशीन काम नहीं कर पा रही। उत्पादन लगभग 40% तक घट गया है, ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे। माल बेचने के लिए व्यापारियों पर दबाव आ रहा है। बिजली जाने के बाद जनरेटर चलाने पड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लागत बढ़ गई है। बिजली संकट के कारण उद्योगों को ऑर्डर समय पर पूरा नहीं कर पा रहे, जिसके कारण काफी बड़ी समस्या आ रही है। यहाँ विशेष तौर पर आपको बता दूं, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर शहर में ही है, तो उसके बाद जिस तरीके से सुबह से ही बिजली की व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब प्रदेश के बड़े बड़े नेता, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जब 2 दिन का प्रवास था उनका जिले में, तब 2 दिन तक बिजली नहीं गई और आज सुबह से ही बिजली की व्यवस्था यहाँ ठीक ठाक देखी जा रही है, तो काफी बड़ा सवाल है कि आज जब प्रदेश के बड़े नेता यहाँ पर होते हैं तो ये व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चल जाती है, और आम जिलों में इस तरह से बड़े बड़े आठ से 10 घंटे तक यहाँ लगाए जा रहे हैं। जी, करनाल से लक्ष्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्य, करनाल में बिजली की क्या स्थिति है? वहाँ पर कितने घंटों के लिए बिजली आ रही है और कितने लंबे पावर कट लग रहे हैं? बिल्कुल, अगर करनाल की बात करें, करनाल जिले की बात करें, तो करनाल के अंदर इस तरह इस समय की जो स्थिति है वो अब कहीं ना कहीं राहत जरूर देती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए
पिछले दिनों की बात करें तो कहीं ना कहीं करनाल के लोगों को बिजली संकट से जो है बिजली संकट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। मगर अगर बात की जाए कल की और कल और आज की ही बात कर लेते हैं, अभी तक लगभग 11 बज चुके हैं, ऐसी स्थिति अभी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अब जो पहले 6 से 7-7 घंटे का जो बिजली का कट था वो लग रहा था, मगर अब कल की ही बात करें तो कल ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। अमूमन जो 1 से 2 घंटे का जो जो कट है जिसमें 5 से 10 मिनट का इस तरीके की जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। अब अगर बात कीजिए प्रदेश की तो प्रदेश में स्थिति अभी बिजली संकट की जरूर बनी हुई है, मगर करनाल की बात करें तो करनाल में क्योंकि मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है कंट्रोल में की जा रही है, और जल्द ही हो सकता है कि प्रदेश के अंदर स्थिति कंट्रोल में की जा सके, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी इस विषय पर बयान जरूर आया था कि कहीं ना कहीं जल्द ही बिजली की समस्या को दुरुस्त किया जाएगा। जो बिजली की समस्या आम पब्लिक को जो झेलनी पड़ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्था सुचारू रूप से उसको ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा, वो अब कहीं ना कहीं देखने को मिल भी रही है और धीरे धीरे स्थिति को जो है दुरुस्त किया भी जा रहा है। जी ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस खास चर्चा में बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी जुड़ चुके हैं। विदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गुजर जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले चर्चा में मैं विदु रावल जी से सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि दावे तो सर बहुत बड़े बड़े किए गए थे, अब इस बिजली संकट के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? दरअसल आपका ही ये दावा गलत है कि बिजली संकट गहराता जा रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बिजली संकट से हम धीरे धीरे निजात पाने की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ चुके हैं। आपके दो संवाददाताओं ने अभी अभी बताया, एक ने बताया कि भाजपा के बड़े नेता हैं इसलिए वहां पर बिजली है, एक ने बताया कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है इसलिए वहां पर बिजली है। मैं खुद सवालखा पानीपत में हूँ, आपके एक फरीदाबाद के संवाददाता ने बताया कि वहां भाजपा के बड़े नेता आए हैं इसलिए बिजली ज्यादा है। करनाल वाले आपके संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री की विधानसभा इसलिए इसलिए बिजली ज्यादा है। मैं यहाँ सवालखा पानीपत में हूँ, यहाँ पर भी कल से कोई कट नहीं लगा है, तो यहाँ प्रदेश के प्रवक्ता हैं शायद इसलिए बिजली होगी। आपका स्टूडियो गुरुग्राम में है, मुझे जानकारी है कि वहां पर भी बिजली निर्बाधित चल रही है, तो वहां पर भी इस कारण से शायद बिजली होगी क्योंकि स्टूडियो है। तो आपको मुझे लगता है, मेरा सुझाव है इस रिपोर्ट को दुरुस्त करना चाहिए, बिजली संकट दूर जा रहा है। हाँ, भारत भर में अन्य 16 प्रांत जो हैं, 16 राज्यों में जरूर बिजली संकट मतलब आपके से बढ़ हिसाब रहा है। से हरियाणा में बिजली संकट कहीं भी नहीं है सर, हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, हम हल्ला बोल हरियाणा की आवाज में उठाते हैं मुद्दा। हमारे साथ अलग अलग जिलों से दर्शक जुड़ते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं ना फोन पे, वो कहते हैं कि घंटों घंटों बिजली नहीं आती। और जहां तक आपने फरीदाबाद से मेरे संवाददाता की बात की, उन्होंने ये कहा है कि जब मंत्री आते हैं तब तो लाइट आती है और आम जनता के लिए लाइट नहीं है। नुपुर जी आपने फिर से मुझे मिसकोट किया, मैंने ये नहीं कहा कि बिजली संकट कभी था ही नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि वो एक भूतकाल की बात हो गई। कुछ एक हफ्ते तक या यूं कहें 10 दिन तक कुछ कटों का जरूर सामना करना पड़ा है, लेकिन आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो आप जिसको बिजली संकट गहराता जाना कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि उसका अस्त हो चुका है, वो अब पीछे का विषय रह गया है। अब पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी हम डोमेस्टिक बिजली है, चाहे वो अर्बन हाउस होल्ड में है, चाहे गांव में, जिस प्रकार से जो म्हारा गांव जगमग गांव के तहत है वहां तो 18 से 24 घंटे आ ही रही है, दूसरे गांव में भी जिस प्रकार से, जो अभी तक म्हारा गांव जगमग गांव में नहीं आया, ऐसे 15% ही गांव है केवल, उनमें भी पहले वाले आ गई है। हाँ, जो मानने वाली बात है, अगर आप मुझे कंसीड करने को कहें तो मैं अभी भी कहूंगा कि रात के समय जो रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक का इंडस्ट्रियल कट जो लगे हुए हैं उसको भी हम बड़ी तेजी से पार पाने में है। और एक अंतिम वाक्य का अगर मुझे आप अनुमति दें तो मैं ये बताऊं आपको कि देश भर के 16 राज्य जिनमें अधिकतम जो है, पहले 8 राज्य जो हैं वो गैर भाजपा शासित हैं, वो इस समय भयंकर बिजली संकट से गुजर रहे हैं। लेकिन उनके उसका बड़ा कारण एक उनकी कुप्रबंधन भी है। हम सब जानते हैं कि भयंकर इस समय गर्मी हो रही है, हम सब जानते हैं कि इंपोर्टेड कोल के सप्लाई में दिक्कत आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा की भाजपा सरकार ने लैंडमार्क काम किया, पूरे देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस कमी में भी हम, इस स्कार्सिटी में भी कैसे हम प्रचुरता ला सकते हैं, यानी
कमी में भी हम प्रचुरता के साथ बिजली अब पिछले 2-3 दिन से देने शुरू कर दी है, आगे भी अब लगातार रहेगी, निर्बाधित बिजली रहेगी, हरियाणा के जन जन को बिजली मिलेगी, हरियाणा के किसान को बिजली रहेगी, हरियाणा के उद्योगपति को बिजली मिलेगी। हाँ, पीछे 1 हफ्ता 10 दिन जरूर दिक्कत रही है, लेकिन उन दिक्कत के दिनों से हम बाहर आ चुके हैं। अब इस बात को जरूर मैं रेखांकित करना चाहता था। तो मतलब आपके हिसाब से तो बिजली संकट खत्म हो चुका है। अमित क्या बात है, जिस तरह से विदुर रावल जी दावा कर रहे हैं कि चलिए हो रहा है, ठीक है, विदुर रावल जी इस तरह से दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में अब धीरे धीरे बिजली संकट खत्म हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी आप क्या बताना चाहेंगे अमित? जी देखिए, जिस तरीके से रावल जी दावा कर रहे हैं कि बिजली संकट था ही नहीं, तो क्या वो तो क्या सारे जैसे हम खुद यहाँ बाजार में मौजूद है। मैं आपको कुछ कारोबारी से बात कराना चाहूंगा जो बिल्डिंग का यहाँ काम करते हैं। क्या नाम है जी आपको? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, जिस तरह से उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास दूरी पहले उनकी। नहीं, एक बार उनको करेक्ट कर दीजिए, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको करेक्ट कर दीजिए। वो फिर से मिस कोट किया, मैंने बताया 7 से 10 दिन तक बिजली संकट रहा है, अभी वो कह रहे हैं कि कभी था ही नहीं, मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं कहा। ठीक है, ठीक है। अगर अगर रात के समय बात करें तो किस तरह का रात का बिजली को लेकर ठीक है अमित, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि आपकी आवाज मिलने में कुछ परेशानी हो रही है। विदुर रावल जी, तो अभी हमारे संवाददाता ने ये व्यापारियों से बातचीत की, उनका यही कहना है कि परेशानी तो हो रही है। नुपुर जी, आपने अभी भी, मैंने आपसे भी ये निवेदन किया था कि मुझे मुस्कोट ना किया जाए, मैंने कहा कि बिजली संकट दूर किया जा रहा है, हम बिजली संकट में थे जैसे देश भर के लगभग जो है सभी राज्य थे, आज भी 16 राज्य बिजली संकट में हैं, लेकिन उन 16 में भाजपा का हरियाणा प्रदेश नहीं है। हमने वो बुरे दिन जो थे पिछले 8-10 दिन थे, एक स्पेल था, उससे पार पा लिया। लेकिन मेरा फिर से निवेदन है आपके संवाददाता से कि वो मुझे मिसकोट ना करें। मैंने ये कहा कि हम एक सम, वो ये कह रहे थे कि बिजली संकट कभी था ही नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं कहा। बिजली संकट रहा है और उसके कारण रहे हैं, लेकिन हम उन कारणों से ओवरकम कर चुके हैं और हम धीरे धीरे, ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर जी भी लगातार बने हुए हैं। राय सिंह जी, अभी आपने हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट सुनी, आपने विदुर रावल जी को भी सुना, आप बिजली संकट के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं सर? मैडम, जिस प्रकार आपके संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वास्तविकता बताई है, सच्चाई बताई है, हालात बताए हैं, किस प्रकार पूरा का पूरा प्रदेश प्रभावित है लगातार 1 महीने से और आज हालत चिंताजनक है, उसके बावजूद भी अगर भाजपा के मेरे छोटे भाई, मेरे प्रवक्ता साथी को सच्चाई दिखाई ना दे, वास्तविकता दिखाई ना दे, तो ये इनका न्यायप्रिय सोच का तरीका है, इनकी अपना विवेक है। लेकिन जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसकी प्रबंधन टीम के कुप्रबंधन से आज नाकामी से पूरा हरियाणा जो है हर मोर्चे पर फेल हो चुका है। आप किसी भी विषय को उठाकर देख लो, किसी भी विषय को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर देख लो, जनहित से जुड़ी कोई बात उठाकर देख लो, कहां पर सरकार खड़ी उतरी है। अरे, पूरे हरियाणा की बिजली 4 संयंत्र कांग्रेस के समय में लगे थे, उनको आप देख रेख नहीं कर पाए, और जो आपको पूल से बिजली मिलनी थी, जो आपको हरियाणा की बिजली मिलनी थी, वो आपने दुगने रेट पर लेकर और एक जो सफाई रेट पर आपने गुजरात में बेच दी, लोगों को बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया, यहाँ पर आकर बता रहे हैं किस प्रकार से बिजली का संकट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, राष्ट्रीय ये आपदा का क्षेत्र है, यहाँ पर ये सरकार जो भारत सरकार की जो केवल केवल बड़ी बातें करती है, किसी भी विषय को लेकर हर बार फिर हर देश की रेल आपने बेच दी, आपके जहाज आपने बेच दिए, बड़ी बड़ी संस्थान जो देश को चला रहे थे निजी क्षेत्र के, वो आपने बेच दिए, किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं। और ये इनका षड्यंत्र है मैडम, ये षड्यंत्र है
इस प्रकार का बिजली का प्रारूप दिखाकर पूरे देश के अंदर पूरी की पूरी बिजली व्यवस्था को अपने मित्र साथी अडानी और उसके ग्रुप में बैठना चाहते हैं। ये लोगों का षड्यंत्र है कि पहले संकट दिखाओ, बताओ और कहो कि भाई हम सरकार जो है इसको चलाने में असमर्थ है। और पहले क्या था, आज क्या है, पूर्व परिस्थितियों की तुलना ना कीजिए। वास्तविकता ये है कि सरकार जो है वो चल फेल हो गई है। अरे हरियाणा प्रदेश के हितों को आप केवल और केवल आने वाले चुनाव को लेकर गुजरात में सरकार जो आपकी है उसको बचाने के लिए वहां के लोगों को बिजली दे रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ विदुर रावल जी से। ठीक है सर जी, मेरा केवल एक और सुझाव है कि बड़ी बड़ी बातें ना करे, प्रवचन ना करे, सच्चाई को समझो। आपका संवाददाता, आपका कार्यकर्ता, कोई भी आदमी हरियाणा के इस बात को उठाता है उसकी बात को सुनो, समझो। ये नाकाम सरकार हो चुकी है, कोई भी मुद्दा। ठीक है, विदुर रावल जी भी कुछ जवाब में कहना चाहते हैं। जी विदुर रावल जी, मेरे पास ये दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट मेरे सामने है जिसमें लिखा है भीषण गर्मी के बीच 16 राज्यों में 2 से 10 घंटे तक की बिजली कटौती की बात है। इसमें जो पहला राज्य इसमें लिखा हुआ है वो है झारखंड, जहां 18.3% की बिजली का कट है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में 11.6%। एक बार भाई साहब, ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है, ये झूठ झूठ बोलने वाले बोलने देंगे वो। अब कांग्रेस ही, कांग्रेस से झूठ का भांडा फूट गया तो देखिए किस तरह बौखला रहे हैं कांग्रेस। दर्शक देख रहे हैं, नहीं नहीं, मैं तो रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ। राय सिंह जी का बौखलाना, उनके झूठ से जैसे पर्दा हटाया। देखिए मैंने बड़े धैर्य से उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी लौटूंगी। मैंने बड़े धैर्य से उनको सुना, लेकिन उनके 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 हर परे राय सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास, पहले विदुर रावल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैंने राय सिंह जी की बात को विदुर रावल जी अपनी बात रखिए जी। और जैसे ही मैं आंकड़े रखने लगा, देखिए किस प्रकार से, मैं एक अखबार को कोट कर रहा हूँ, अखबार पर केस कर सारे आंकड़े फर्जी है। हमारे भाई साहब आंकड़ा अखबार में दिया, अखबार पर झूठ बोलने की बात करते हैं। अच्छा चलिए, मैं जल्दी से बताता हूँ कि झारखंड जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो नंबर एक प्रदेश है जहाँ पर बिजली सबसे ज्यादा कट रही है, 18.3% की केंद्र सरकार की। राजस्थान से राय सिंह जी ने अपनी बात को रखने दीजिए। लोकतंत्र, मेरा लोकतांत्रिक। राय सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी जवाब लेने के लिए, रुकिए एक मिनट। अच्छा सुनिए, उसके बाद ये भी बताइए, महाराष्ट्र में जहां महा विकास अघाड़ी का नाम लेकर इन्होंने सरकार चलाई, जहां महावसूली चल रही है, वहां पर 11% तक कटौती है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़, जहां पर बिजली कटौती नहीं हो सकती थी क्योंकि वहां का ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है, वहां पर भी 9%। यानी सभी प्रांत कांग्रेस वाले, लेकिन ये क्या कह रहे हैं भाई, बिजली संकट आ रहा है, बिजली नहीं कांग्रेस में संकट है, और कांग्रेस का संकट सब लोग जानते हैं, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। फिर ये कह रहे थे बिजली बेच दी, एक झूठ बोला। जब राय सिंह जी को जब भी अवसर मिलेगा अभी वो जरूर बताएं, एक भी यूनिट किसी ने भी हरियाणा से कहीं बाहर नहीं बेचा, गुजरात तो छोड़ी दो। ये इस प्रकार से इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता तक झूठ बोल रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं उन्हें, वो बता दें कि किस एग्रीमेंट के तहत भेजा गया, कितने यूनिट भेजे गए, बिल्कुल झूठ बिना सिर पैर। असल सच क्या है कि बिजली बेचने की बात कह रहे हैं ये, बिक तो कांग्रेस गई है, और इटली की एक कंपनी ने खरीद ली है, कांग्रेस खरीद लिया इटली की कंपनी ने, और मुझे तो पता चला है कि रॉबर्ट वाड्रा ने उनको सबलेट पर भी, किराए पर भी ले लिया बिकने के बाद। ठीक है, अब राय सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ। राय सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी आपके पास किस प्रकार से कोल इंडिया ने कहा है, कोल इंडिया ने कल फिगर्स जारी की है, इनके कांग्रेस शासित प्रदेशों में और पंजाब में शासित। एक एक करके बोलिए, तभी दर्शकों को आपकी बात समझ आएगी। राय सिंह जी पहले आप बोलिए। कोल इंडिया ने कल आंकड़े जारी किए हैं, भारत का जो कोल इंडिया है। ऐसे आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, जनता गर्मी में बेहाल हो रही है बिजली न होने की वजह से। एक एक करके अपनी बात रखिए। विदुर रावल जी एक मिनट, वहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया नहीं दे रहे हैं ये मुफ्त में बिजली देने की तो बात करते हैं, लेकिन जहाँ से कोयला लेते हैं कोयले के पैसे क्यों नहीं देते? ये किस प्रकार की लूट चल रही है कांग्रेस की राज्यों में? कोयला कोल इंडिया ने कल एक आंकड़े जारी किए, उस पर राय सिंह जी का क्या कहना है? और एक बार ठीक
क्या, मैं राय सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ। राय सिंह जी, आप उनसे यह बस पूछिए कि गुजरात को इन्होंने कहा, मैं इन्हीं की बात कोट कर रहा हूँ, इन्हीं से जवाब जरूर लेना और यहीं से शुरू करें अपनी बात। अगर अगर गुजरात को एक भी यूनिट, आधा यूनिट भी अगर कहीं गया हो उसका बताए, नहीं तो झूठ जो बोला है उसकी माफी मांगे। इसके अलावा कोई इधर उधर की बात करेंगे तो नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल झूठ। और नहीं तो अपनी पार्टी के नाम पर, अब मैं जवाब ले रही हूँ राय सिंह जी से, ठीक है, कांग्रेस पार्टी रख दें, ठीक है। राय सिंह जी जवाब दीजिए अब, जिस पार्टी में कभी महात्मा गांधी, ठीक है विदुर रावल जी, जवाब तो देने दीजिए अब, लाल बाल गंगाधर तिलक रहे, ठीक है, पार्टी में बिपिन चंद्र पाल रहे, ठीक है ठीक है, पार्टी में लाला लाजपत राय रहे, अब उनको जवाब देने दीजिए। झूठी पार्टी में बदल दिया, इन्होंने इटली को बेच दी है पार्टी, ठीक है ठीक है। अरे हम बिजली संकट में चर्चा कर रहे हैं ना सर, ठीक है। राय सिंह जी बोलिए, कांग्रेस पार्टी का नाम बदलकर झूठी कांग्रेस, ठीक है विदुर रावल जी, ठीक है। इंदिरा कांग्रेस बनाई, कभी इन्होंने गरम दल बनाया, कभी इन्होंने नरम दल बनाया, ठीक है विदुर रावल जी, एक बार उनको जवाब तो देने दीजिए। राय सिंह जी बोलिए, गुजरात, राय सिंह जी अपनी बात पूरी करिए, आपने गुजरात की बात गुजरात में एक भी यूनिट हरियाणा की सरकार ने नहीं दिया, बल्कि हमें तो जहाँ से एक भी यूनिट खरीद रहे हैं। एक एक करके आप दोनों अपनी बात रखिए, मैं दोनों को बराबर मौका दे रही हूँ। बोल रहे हैं राय सिंह जी सरकार से झूठ बोल रहे हैं, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी पार्टी का नाम बदलकर उसी कांग्रेस पार्टी रखना चाहिए, इनको क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है ठीक है, शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से सियासत तो जारी है और आम जनता यहाँ पर गर्मी में बिजली की वजह से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है, क्योंकि लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। झज्जर प्लांट की एक यूनिट बंद हो चुकी है, जो कि काफी महत्वपूर्ण यूनिट मानी जाती है, क्योंकि उससे 660 मेगावाट की पावर सप्लाई होती है। अब देखना होगा कि कब आखिरकार हरियाणा वासियों को बिजली संकट से राहत मिलेगी। चलिए फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मेरे साथ बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।